सबसे पहले पंडित लक्ष्मीचंद जी द्वारा लिखित भक्त पूरनमल के किस्से की मैं आपके बीच में सुनाऊंगी। उस समय की ये बात है कि जब पूरनमल की मौसी ने पूरनमल के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया और सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। पूरनमल की सगी माँ इंसरादे को जब सारी बात का पता चला तो महाराज सलेभान के पास पहुंची, कहने लगी कि महाराज आप अच्छी तरह से जानते हो कि हमारा पूरन नेक है। अरे वो हजारों में नहीं लाखों में एक है। हमारा पूरनमल ऐसा घिनौला काम कभी नहीं कर सकता, लेकिन अगर फिर भी आपने जानबूझ के गलती की, अगर मेरा बेटा मरा तो इस दुनिया में मैं भी जीना पसंद नहीं करूंगी। और एक बात के द्वारा कैसे राजा सलेभान को समझाती है, यहाँ के बोल है सुनिए जरा क्या बताया। हेलो के सम्मान में एक बार तालियां बजा दो। पहली कली के अंदर रानी इंसरादे न्यू कहने लगी कैसे कैसे पूरण जैसा भगत जगत में, मेरे नाटो
चढ़ा अंतस पे भक्ति करके खोजा सौकण तने थपेड़न लगरी कदे भूल में सो जा वान्यु सोचे सौकिंसरा मेरे कैसी हो तो आखिर कौन करेगा। तीसरी कली के द्वारा कैसे समझाती है क्या बताया। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं मेरी कोई बात बुरी और गलत लगी है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ। लास्ट कली में कैसे समझाती है क्या कहने लगी। हाँ।
जोड़ के माफी मांगू तू साजन मेरा पति से। मान सिंह कहे मेरी बात में कोन्या झूठ रती से। गुरु गोरख की कृपा से तेरा पूरण पूत जती से। लक्ष्मी चंद कहे पूरण हर के। लक्ष्मी चंद कहे पूरण हर के। Oh,